बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही जो है खतरनाक लक्षण है, बहुत ही चिंताजनक विषय है। जिस तरह से पंजाब के अंदर खालिस्तानी तत्व फिर से उभर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने विदेशों में शुरू किया है, मुझे लगता है भारत सरकार और पंजाब सरकार को मिलके इसी समय इनको कुचल देना चाहिए, इसके पहले कि बढ़ें। और जो है इसके लिए तत्काल प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए। जिन लोगों ने लंदन में किया है ब्रिटिश पुलिस की मदद से, उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। और पंजाब में भी जो है केंद्रीय बलों को, सुरक्षा बलों को और राज्य की पुलिस को मिलके इन्हें जो है ख़त्म करना चाहिए। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी की दिल्ली पुलिस गई, तमाम पहले से भी समय की मांग की गई थी, कैसे देखते हैं आप दिल्ली पुलिस? नहीं, ये तो बेवजह की FIR, कोई मतलब नहीं इसका है, इस तरह की कंप्लेंट का उसके लिए जाना। वो जो है उन्होंने कश्मीर में एक रेफरेंस में बोला था, उसको जवाब दे रहे हैं वहाँ पे, उसको इस तरह से करना, ऐसे तो पर तमाम नेताओं के आपको करने पड़ेंगे। लेकिन ये हमेशा सुबह से शाम तक राहुल गांधी सरकार करती रहती, सारे मंत्री मिलके जो है, तो उन्होंने इस तरह से तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार जो कांग्रेस, जहाँ तक ममता दीदी का सवाल है, तो ठीक है अभी गुस्से में है वो और इस तरह का बोल रही हैं। एक बात तो सही कह रही हैं कि सरकारी दिन भर राहुल गांधी करती है, क्योंकि राहुल गांधी सरकार इतनी परेशान है कि पूछो मत, तो इसलिए। लेकिन वो ममता जी वाली वो बात छोड़ दीजिए आप, वो बाद में पूरी विपक्षी एकता हो जाएगी। सर, अखिलेश यादव लीडर बन रहे हैं क्या? ममता बनर्जी से मिलते हैं अभी, ममता बनर्जी पटनायक जी से मिलने, थर्ड फ्रंट की जो बात हो रही है, मुझे नहीं लगता कि थर्ड फ्रंट वगैरह नहीं, सब जब विपक्ष एकजुट होगा तभी कुछ काम बनेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।